ओम शांति। कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो, अगर वारिस बनना चाहते हो तो। हर कोई चाहता है मैं माँ बाप का वारिस बच्चा बनूं, तख्त नशीन बनूं, काबिल बनूं, सपूत बनूं, पर उसके लिए बहुत सहज विधि भी है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिसकी श्रीमत मिली हुई है पर उसके विपरीत जाके वो कर्म करना। सबको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बच्चे तो है नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मालूम है श्रीमत क्या कह रही है। तो श्रीमत हमारे कल्याण के लिए ही तो कुछ कह रही है, जिसमें आज बच्चों का कल्याण होगा वही श्रीमत तो बाप देंगे। आपका कल्याण तो बाप कभी नहीं चाहता, पर रावण चाहता है। बाहर में जो आसुरी मत है वो चाहती है, पर एक बाप ही है जो अपने बच्चों का कल्याण चाहता है, एक बाप ही है जो अपने बच्चों को वारिस बनाना चाहता है। ऐसे बच्चे तो सभी हैं, क्योंकि सभी तो परमधाम से आए हैं, घर तो एक ही है सभी आत्माओं का, लेकिन वारिस बच्चे वो कौन होते हैं, विशेष इस बात पर अटेंशन देने की। बच्चे सभी हैं पर वारिस बच्चे जिस पर भगवान कुर्बान जाए, जिस पर साहेब राजी रहे सदा। अब हम चाहते हैं कि भगवान ना हमारी सुने, जैसे हम हर एक के लिए चाहते हैं माँ बाप हमारी सुने, हमारे साथी हमारी सुने, हमारे संबंधी हमारी सुने, हमारे दोस्त हमारे सुने, सब चाहते हैं। पर ये तो चलो ये लौकिक रीति है, अगर भगवान जिसकी सुने। मैंने आपने कुछ कहा, भगवान ने सुना और भगवान ने आपकी तरह से वो कार्य किया। बताओ, भगवान जिसकी सुने ऐसा बनना चाहता है ना सर कोई, कि भगवान मेरी सुने। क्योंकि देखो लौकिक और अलौकिक से तो ऊपर उठना पड़ता है, जो भगवान आपकी सुने, आप रूहानी कुछ कहेंगे उसको तभी आपकी सुनेगा। पर आप कुछ भी कहें उसको, वो आपकी सुने, उससे पहले संगम पर उसकी सुन लो। संगम पर उसकी सुनोगे तो सत्युग त्रेता तो प्रारब्ध है, उसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना आपको कुछ सुनाने की जरूरत है ना उसको कुछ कहने की जरूरत है। उसने आपको एक प्रॉपर्टी और एक ऐसी जगह दे दी जहां पे खुशहाली खुशहाली है, दुख नहीं है। ओके, पर बात आती है जब द्वापर शुरू होता है, फिर बात आती है जब कलयुग आता है, जब चारों तरफ तमो प्रधानता आगे बढ़ती जा रही है, उस समय आपको जरूरत है भगवान के साथ की। उस समय भगवान आपकी सुने, उसका आधार है संगम पर आप बाप की सुनो, माना भगवान की सुनो, तो भक्ति मार्ग में भी वो आपकी सुनेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। तो एक जन्म सिर्फ उसकी सुननी है, और वो भी हमारे कल्याण के लिए, क्योंकि चारों तरफ तमो प्रधानता है, रावण का राज्य है, रावण हमें और तमो प्रधान बनाने पर आतुर है और गिराने को तैयार है। ऐसे ऐसे प्रलोभन दे देता है रावण कि हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी बुद्धि है, लेकिन वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। देह अभिमान ला देता है, देह का भान आ जाता है, मैं होने लगती है, ये सब कुछ होता है। कारण श्रीमत के विपरीत जब जाते हैं तो रावण देख लेता है ये कहां से कमजोर है, वो वहीं से अटैक करता और कहीं से नहीं करता। आपकी कमजोरी आप भी जानते हैं, रावण भी जानता है। आपको पता है कि मैं कहां से कमजोर हूं, कहां से मेरे अंदर देवीमान आता है, कहां से मेरे को नाम रूप की बीमारी लगती है, कहां से मैं नीचे गिरने की एक्टिविटी में जा सकती हूं आत्मा, ये आपको पता है। और फिर भी हम बनना चाहते हैं वारिस। वारिस बनना चाहते हैं, पर वारिस बनने वालों की क्वालिटी क्या होती है उसको फॉलो करें तो वारिस ही बनेंगे। तो वारिस बनना है तो खबरदारी रखनी है, है ना, अपने आप पर अटेंशन रखना पड़ता है कि हम श्रीमत के विपरीत तो नहीं जा रहे, श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म तो नहीं कर रहे, जिस पे भगवान ने हमें
हर श्रीमती है, ऐसी बात नहीं आपको पता नहीं है, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था ये करते हैं या नहीं करते, या ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते, या ऐसे संकल्प चलाने चाहिए नहीं चलाने चाहिए, सबको सब पता है, सब समझदार बैठे हो, कोई मूर्ख नहीं बैठा यहाँ पे, ठीक है। तो वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना, आप अपनी तरफ से तो प्रयास करो, बाकी ड्रामा में जो सीन आएंगे वो अलग बात है, अगर आप ही श्रीमत के विपरीत चलोगे तो वारिस बच्चे तो नहीं, ठीक। वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। ओम शांति।